दोस्तों, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसके पास मास प्रोड्यूस स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, और उन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के दम पर अमेरिका की ताकत कितनी अधिक है इसका अंदाजा बाकी के बड़े देशों को अच्छे से पता है। और यही वजह भी है कि आज लगभग हर बड़ा देश, चाहे वो चीन हो, रशिया हो या फिर भारत हो, सभी यही चाहते हैं कि उनके पास भी नंबर ऑफ स्टेल्थ फाइटर जेट्स हों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेल्थ सुखोई के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी ही इनरपोटेंट अपडेट्स हमारी वीडियोस के जरिए आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि आने वाले समय में इंडियन एयर फोर्स के SU-30 MKI को सुपर स्टेल्थ स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाना है। इनफैक्ट ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। बता दें कि इस अपडेट प्रोसेस के तहत SU-30 MKI फाइटर जेट्स को नेक्स्ट जनरेशन रडार, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर और एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वाइनर फेयर स्वीट मिलेगा। इसके साथ ही SU-30 MKI फाइटर जेट को बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेपन सिस्टम भी मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल SU-30 MKI फाइटर जेट की क्षमता सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, SU-30 MKI से जुड़ी एक ऐसी चीज भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ, दरअसल वो चीज SU-30 MKI का रडार क्रॉस सेक्शन मैनेजमेंट है। बता दें कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि SU-30 MKI एक काफी बड़ा फाइटर जेट है, और इसके इतने बड़े आकार के साथ ही इस एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन भी काफी बड़ा है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर पहले के लेग्जी और डोमिनेंस फाइटर जेट्स काफी बड़ा हुआ करते थे, और ये ज्यादा बड़ा पेलोड भी कैरी कर सकते थे। इनफैक्ट रशिया साइड के SU-27 फैमिली के फाइटर जेट्स इसी कैटेगरी के फाइटर जेट्स हुआ करते थे, और अमेरिकी F-15 और SU-27 से लेकर SU-30 और SU-35 भी इसी कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं। दोस्तों, अमेरिका जिसके पास मास प्रोड्यूस स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उनको ट्रूली स्टेल्डी फाइटर जेट्स कहा जाता है, जबकि बाकी के जितने भी देश स्टेल्डी फाइटर जेट्स बना रहे हैं वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज फाइटर जेट्स हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यही कारण था कि US की तरफ से अपने पुराने लेग्जी फाइटर जेट्स को इन स्टेल्थ फाइटर जेट से ली गई टेक्नोलॉजी से अपडेट किया गया था। बता दें कि बोइंग का साइलेंट ईगल भी इसी का एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, अमेरिकी F-15 साइलेंट ईगल में प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन स्टेल्थ फाइटर जेट से रडार, ऑब्जर्बिट मटेरियल, विंटर सेंसर सॉफ्टवेयर और बेहतर मिशन कंप्यूटर लिए गए हैं। इसके साथ ही साइलेंट ईगल में कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक भी लगाई गई है, जिसके अंदर इंटरनल वेपन्स ब्रेकअप प्रोविजंस होगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट की, लेकिन अगर भारत के साइलेंट फ्लैंकर की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोच थोड़ा अलग है। भारतीय साइलेंट फ्लैंकर को एक और न्यू जनरेशन सेंसर तो मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही इसके रडार क्रॉस सेक्शन को मैनेज करने के लिए 3 अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी भी इसे मिलेगी। बता दें कि नॉर्मली किसी भी फाइटर जेट की सबसे ज्यादा रडार क्रॉस सेक्शन उसके एयर इंटेक, रडार के बल्कहेड और पायलट के ऊपर माउंटेन वेपन सिस्टम से आती है, और इसी चीज को एड्रेस करने के लिए DRDO की एक लैब की तरफ से रडार ऑब्जर्बिट मटेरियल डेवलप किया गया है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये रडार ऑब्जर्बिट मटेरियल बेसिकली एक पेंट है जिसको स्प्रे पेंट की तरह फाइटर जेट पर अप्लाई किया जा सकता है। इस रडार ऑब्जर्बिट मटेरियल से लगभग 75% से लेकर 90% तक रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। और बता दें कि ये पेंट SU-30 MKI के पायलॉन्स, वेपन्स एयर इनटेक और रडार बल्कहेड के ऊपर डाला जाएगा। और बता दें कि इस रडार ऑब्जर्बिट मटेरियल का फाइटर जेट की पूरी बॉडी के ऊपर होना काफी जरूरी है, क्योंकि एनिमी फाइटर जेट के पास अलग अलग एंगल्स होंगे, जिस वजह से इस भारतीय स्टेल्थ फाइटर जेट को एनिमी फाइटर जेट्स द्वारा हर एंगल से देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक परेशानी ये भी है कि फाइटर जेट्स पर रडार ऑब्जर्बिट मटेरियल की कोटिंग करना एक मुश्किल काम है। हालांकि इसकी बॉडी के ऊपर रडार ऑब्जर्बिट मटेरियल लगाना काफी आसान है, और इसी वजह से SU-30 MKI की बॉडी के ऊपर रडार ऑब्जर्बिट मटेरियल का लैमिनेट लगाया जाएगा, जिससे इसे 99% तक का प्रोटेक्शन मिलेगा, और तब जाकर कहीं इस भारतीय फाइटर जेट को स्टेल्दी फाइटर जेट की श्रेणी का माना जाएगा। हालांकि फिर भी इस अपग्रेड के बाद इंडियन एयर फोर्स के इस फाइटर जेट को
स्टेल्दी फाइटर जेट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तय है कि अपडेट के बाद इसे स्टेल्थ फ्लैंकर कहा जा सकता है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की क्षमताएं पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। वैसे आपका क्या मानना है, क्या Su-30 MKI को अपग्रेड करने के बाद वाकई इंडियन एयरफोर्स की क्षमताएं बढ़ेंगी? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।